हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, टाइटल एंड थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं कोई भी ब्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली नहीं हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अमेजोन से डेकोर आइटम परचेस किए थे। तो जब मैंने आपके साथ वो अमेजोन डेकोर वाला हॉल शेयर किया था, उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि इसे जब भी मैं इंस्टॉल करूंगी उस टाइम मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है। और गाइज, अगर आपने वो अमेजोन डेकोर वाला हॉल नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको उसमें थोड़े से मैंने और डेकोर आइटम परचेस किया है तो वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। तो चलिए फिर देखते हैं कि उसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है। हे गाइज, यहाँ पर इन्होंने निकाल दिया है बॉक्स से ही ये वाले शेल्फ, और आप देख सकते हो इस तरह से ये है, और इसे अभी हैंग करना पड़ेगा। तो इसमें जो खाँचे दिए हैं तो उसमें वो अटैच कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो इसमें दोनों तरफ से खाँचे दिए हैं। और आप अगर ब्लैक कलर का बीच में ले रहे हो तो साइड से आपको वाइट कलर का लेना होता है, और अगर आप वाइट कलर का बीच में ले रहे हो तो साइड से आपको छोटे छोटे जो है वो ब्लैक कलर के लेने हैं। तो इस तरह से आपको ये पहले फिक्स कर लेना है और उसके बाद आपको उसे हैंग करना है। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड जो है उसे फिक्स कर रहे हैं और अच्छे से, तो थोड़ा सा इसमें गैप कम था तो इसी वजह से हमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम आया है इसको फिक्स करने में। तो ये देखिए अभी फिक्स हो गया है, और दूसरा भी वैसे ही हम लोग फिक्स कर लेंगे। तो वाइट जो है वो बीच में लेंगे और साइड से ब्लैक कलर का लेंगे, क्योंकि मेरे हॉल की थीम ऐसी है ब्राउन एंड उसकी क्रीम कलर की, तो इसी वजह से मैंने ये ब्लैक एंड वाइट कलर का लिया, क्योंकि मुझे ब्राउन एंड क्रीम कलर का मिल ही नहीं रहा था। उसमें रेड एंड ब्लैक कलर का ऑप्शन था, रेड एंड वाइट कलर का ऑप्शन था, ऐसे ही कुछ ऑप्शन थे। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि ये सूट होगा मेरे हॉल के, मतलब मेरे लिविंग रूम में, तो इसी वजह से मैंने ये लिया। और हैंग होने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि ये ब्लैक कलर का है, थोड़ा सा ये कॉफ़ी ब्राउन कलर में ही दिखाई देगा। तो इसी वजह से तो अभी ये फिक्स हो जाने के बाद इसका थोड़ा सा मेजरमेंट लेना पड़ेगा, और उसके बाद थोड़ा सा उसे हैंग करने के लिए भी कील वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो वो साइड में भी कील लगाने के लिए भी है, तो ये मेरे हस्बैंड देख रहे हैं कि कहाँ पर हमें हैंग करना है इसे, मतलब ऐसा है कि अद्विक भी हाथ ना लगाए, और अद्विक के जो हम लोग उसमें डेकोर आइटम रखेंगे तो वो अद्विक भी हाथ लगा के गिरा ना दे, इसी वजह से हम लोग थोड़ा सा ऊपर हैंग करने का उसे सोच रहे थे। तो ये मेरे हस्बैंड वो मेजरमेंट ले रहे हैं और कील ठोकने के लिए वो कर रहे हैं, तो इसी तरह से हमें ऐसे करना है। और आप देख सकते हो थोड़ा सा मेजरमेंट लेके, आपको मेजरमेंट गलत नहीं होना चाहिए आपका, तो इसी तरह से वो देख रहे, क्योंकि एक बार अगर कील फिक्स हो गया ना तो फिर बार बार वो निकालना पड़ेगा इसी वजह से। और आप देख सकते हो वो किस तरह से मेजरमेंट ले रहे हैं कील का, तो इस तरह से पेंसिल से मार्क कर रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने मेजरमेंट ले लिया है अच्छे से। और वहाँ पर भी दीवार पर भी उन्होंने वैसे ही मार्क कर दिया था, तो वो वहाँ पर अच्छे से पहला वाला तो फिक्स हो गया है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो अभी ये सेकंड वाला हम लोग फिक्स कर रहे हैं, तो ये भी कर लेंगे और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वहाँ पर जो डिज़ाइन दी थी, मतलब वहाँ पे वेबसाइट में, तो वेबसाइट में डिज़ाइन दी थी उसी तरह से हमने नहीं लगाया है, हैंग हमने दूसरे से तरह से किया है। तो आप अमेज़ॉन पे चेक कर सकते हो वहाँ पर किस तरह से डिज़ाइन दी थी, नहीं तो मैं यहाँ पर पिक भी लगा दूँगी आपके लिए कि किस तरह से वहाँ पर दी थी। और फाइनल रिज़ल्ट गाइज ये है इसका, हमने इस तरह से हैंग किया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना मुझे, और कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर कर देना। और आपको ये पसंद आता है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर चेक कर लेना। सो गाइज, जैसे कि आपने देख लिया कि उसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा और आपके लिए थोड़ा सा ये वीडियो हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर आपको ये डेकोर आइटम पसंद आया हो और अगर आपको इसे परचेस करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, थोड़े से मतलब थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके आप पूरा मेकओवर कर सकते हो आपके हॉल का, आपके लिविंग रूम का। थोड़े से पैसे खर्च करके ही मेरा जो लिविंग रूम है बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है, और जल्दी ही आपके लिए लिविंग रूम का टूर मैं लेके आऊँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लिविंग रूम का टूर जल्दी से आपके लिए आने वाला है। आई होप गाइज आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, और अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़, हॉल वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाते जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो चलिए फिर, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।